नमस्कार, आप मुझे देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव पर। चलिए देखते हैं आज की कुछ खास खबर। बालिका से छेड़छाड़ करने वाले दो आरोपी गिरफ्तार। बालिका का पीछा कर छेड़छाड़ करने वाले दो आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार 22 से 27 दिसंबर के दौरान साहुली माहुली निवासी बादल उर्फ आकाश रत्नाकर गजवीय रोजाना 14 वर्षीय बालिका का पीछा करते हुए दोस्ती करने का दबाव बना रहा था। पीड़िता के इनकार करने पर आरोपी अपने एक अन्य साथी रूपेश बंडू डोंगरवार के साथ बालिका के घर के सामने पहुंचा। अश्लील गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी देने लगा। इसके बाद परिजनों ने थाने में पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई, तो वहीं दूसरी ओर पान ठेला संचालक ने दुपट्टे से लगाई फांसी। गिट्टी खदान क्षेत्र में एक पान ठेला संचालक ने घर में दुपट्टे से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। उसका नाम देवेंद्र राम कोरी है। यह लॉकडाउन के समय से रोजगार था, इसी की वजह से वह बीमार रहने लगा था। बेरोजगारी से परेशान होकर उसने खुदकुशी कर ली। पुलिस सूत्रों के अनुसार टीवी टावर मानवता नगर निवासी देवेंद्र राम कोरी ने 28 दिसंबर की देर रात फांसी लगा ली। तो वही तीसरी ओर विदर्भ के दो जिलों में हादसे, दो लोगों की मौत, तीन गंभीर। मंगलवार को यवतमाल तथा भंडारा जिले में हुए सड़क हादसे में दो लोगों की मौत हो गई तथा तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। यवतमाल जिले की कलब तहसील में जोड़मुहा मार्ग पर मंगलवार दोपहर कार ने दुपहिया को टक्कर मार दी। हादसे में दुपहिया सवार दत्तात्रेय महादेव उमरतकर की मौत हो गई तथा प्रफुल उमरे गंभीर रूप से घायल हो गए। फिलहाल वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखते हैं देश और दुनिया की तमाम कुछ खास खबर। धन्यवाद।